ध्यान देना बच्चों लोग, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, ध्यान देना। जब भी बात करते हैं इस टॉपिक का तो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो ऑकर करता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कहाँ ऑकर करता है? आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक ठीक है। अब ध्यान देना, तो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या होता है, आपके पास एक एनोड होता है और क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। अब एनोड का साइन क्या होता है, तो एनोड का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होता है जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, और कैथोड का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये साइन का हम बात कब कर रहे हैं, जब आपका सेल का टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब ध्यान दोगे, आपके एनोड पे प्रोसेस क्या होता है, तो आपके एनोड का प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये ध्यान देना। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसा रिएक्शन करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। यानी बाहर से हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, कैसा, इलेक्ट्रिकल, और वो केमिकल के फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल के फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक ठीक है। तो ध्यान देना, यानी बाहर से एनर्जी सप्लाई करके रिएक्शन को ऑकर करवा रहे हो। यानी आपका जो रिएक्शन होगा, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिएक्शन होगा, वो खुद से ऑकर नहीं करेगा, उसको करवाने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हम किस रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिएक्शन होता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी खुद से ऑकर नहीं करेगा, उसको करवाने के लिए हमको एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा, ठीक। रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और आपको पता है कि डेल्टा जी और ई में रिलेशन क्या होता है, तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई, ठीक। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है, ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है नेगेटिव होता है, ई सेल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ई सेल क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर जूम कर रहे हैं कि अगर आपका ई सेल, हमें जूम कह रहे हैं कि आपका ई सेल का वैल्यू अगर माइनस ए दिया हुआ, अगर आपका वैल्यू माइनस ए दिया हुआ है, तो आपकी ई सेल का वैल्यू अगर माइनस ए दिया हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर ई सेल का अगर वैल्यू माइनस ए है, इसका मतलब अगर इस रिएक्शन को हमको करवाना है, यानी हमको आर सी पी करना पड़ेगा, तो कम से कम सेल का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ठीक है, नेट सेल का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो अगर इस रिएक्शन का पोटेंशियल माइनस है, हमको बाहर से जो बैटरी, यानी बाहर से जो हमको एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा, वो कम से कम प्लस ए से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस ए होना चाहिए तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका जो ई अप्लाइड है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, प्लस ए होगा, ठीक है। तो ई अप्लाइड का जो वैल्यू है क्या होगा, प्लस ए होगा, ठीक है। चेक ये था ना, तो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल ईएमएफ, जिसमें हमको ई अप्लाइड का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए होगा, ठीक। अब ध्यान दोगे, जब भी हम बात करते हैं कैथोड पे, तो ध्यान दोगे, अब चीज ध्यान देना कि आपके पास दो दो टाइप का आयन होता है, एक होता प्लस आयन, एक होता माइनस आयन,
ठीक है, और वो पता है कि आपका जो आपका एनोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बता, ध्यान देना, कैथोड का साइन चूंकि नेगेटिव है तो कैथोड के पास कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, तो कैथोड के पास आपका H प्लस, आपका A प्लस अट्रैक्ट होगा, यानी जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड के पास जाएगा और जो नेगेटिव आयन है वो जाएगा एनोड के पास अट्रैक्ट होकर, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे पॉजिटिव आयन का क्या होता है, रिडक्शन ऑफर करेगा, ठीक है। तो कौन सा चार्ज कहाँ मूव करेगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा चार्ज कहाँ मूव करेगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कौन सा चार्ज कहाँ मूव होना चाहिए ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसे समझो, तो अगर बात करते हैं हम कैथोड का, तो कैथोड पर साइन नेगेटिव होता है और कैथोड प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। और जब भी हम रिडक्शन का बात करते हैं तो रिडक्शन के लिए, रिडक्शन कौन से एनोड के प्रोपोर्शन होता है, तो पता है जिसका आरपी ज्यादा होगा, यानी उसका रिडक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। जिसका एनोड ऑफ आरपी हाई होगा उसका रिडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, और ओपी वैल्यू के क्या होता है, ओपी वैल्यू क्या क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो रिडक्शन प्रोसेस होगा वो आरपी वैल्यू के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका आरपी हाई होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा, और जिसका ओपी कम होगा वो जिसका ओपी कम होगा जल्दी रिड्यूस होगा, ठीक है। यानी ओपी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, कटायन जनरली कौन होता है, तो आपके एनोड का कटायन जनरली क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। कटायन जनरली क्या होता है, तो एनोड पे जो यानी सॉरी जो कैथोड पे, यानी कैथोड के पास जो पॉजिटिव आएगा, कैथोड का साइन चूंकि नेगेटिव होता है उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जनरली कटायन क्या होता है, तो जनरली जो पॉजिटिव होता है वो कहाँ से आता है, जनरली पॉजिटिव आता है कहाँ से, मेटल से, कहाँ से आता है, ठीक है। जनरली पॉजिटिव कहाँ से आएगा, चलो आएगा मेटल से, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने न्यूट्रल फॉर्म में जाता है, अपने न्यूट्रल फॉर्म में जाता है, ठीक है। यानी B प्लस जो कटायन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके कहाँ जाएगा, B प्लस में जाएगा, यानी मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक। या इसके अलावा और कटायन कौन सा होता है, तो कटायन हो सकता है H प्लस। अगर आपके पास सिस्टम में वाटर होगा, यानी आपका सॉल्वेंट होगा, तो कटायन क्या हो सकता है, H प्लस हो सकता है। तो समझा, अगर H प्लस होगा तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, H प्लस में जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो बनता है H डॉट, बनता है H डॉट, और आपका दो H डॉट कंबाइन करके बनेगा H2, बनेगा H2, ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो बनेगा H डॉट, ठीक है, और दोनों H डॉट और H डॉट कंबाइन करके क्या बनता है, H2 गैस निकलता है। यानी अगर H प्लस का रिडक्शन होगा तो उससे H2 गैस निकलता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, और मेटल आयन का रिडक्शन होगा तो उससे बनेगा मेटल, उससे बनेगा मेटल, ठीक है। तो कैथोड पे दो ही पॉसिबिलिटी होता है जनरली, मेटल के पॉजिटिव आयन से मेटल बनेगा, या फिर H प्लस आएगा तो H प्लस से H2 गैस निकलेगा, H प्लस से H2 गैस निकलेगा, कहाँ पे, कैथोड पे, कैथोड पे, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अगर इतना क्लियर आप लोगों को, तो ध्यान देना, अब इसमें केसेस ले रहे हैं, इसमें केसेस ले रहे हैं, तो केसेस क्या है, तो ध्यान दोगे कि मेटल सिस्टम में मेटल कब प्रोड्यूस होगा। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास मोल्टन स्टेट है आयन का, तो मोल्टन स्टेट में सब बस सिर्फ क्या होगा, बी प्लस आयन होगा, मोल्टन स्टेट में क्या होगा, बस मेटल का आयन होगा, तो मेटल का आयन से आपको मेटल मिल जाएगा, आपको मेटल मिल जाएगा। तो मोल्टन स्टेट में कभी भी आप अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो
तो मेटल के पॉजिटिव आयन से मेटल मिल जाता है हमको, ठीक है। जब एक्वस सॉल्यूशन का जब बात करते हैं, ठीक है, जब एक्वस सॉल्यूशन का बात करते हैं तो ध्यान देना, एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन सा आयन होता है जी? तो जो क्या वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर सॉल्वेंट होगा तो ध्यान देना, तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो उसमें बी प्लस के साथ साथ आपके पास एच प्लस भी आयन होगा, यानी दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें दो केस निकल के आता है। दो केस क्या होता है कि अगर मेटल का रिएक्टिविटी अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, अगर ऐसा केस मान लेता है, उस केस में अगर मानते हैं कि बी प्लस और एच प्लस है, तो चूंकि मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, ठीक है, तो उस केस में खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहेगा। उस केस में मेटल आयन से आप मेटल नहीं निकाल सकते, यानी ये प्रोसेस नहीं ऑकर करेगा। तो उसमें होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। एच प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। ठीक, एच प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कब होगा, जब मेटल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा देन एच। इसमें एक और केस ऐसा मान सकते हैं, जब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज लेस देन हाइड्रोजन, तो बी इज लेस देन एच। उस केस में मेटल आयन से मेटल निकलेगा, यानी एच प्लस एच टू नहीं निकलेगा, यानी एच प्लस एच टू का जो बात कर रहे हैं वो प्रोसेस नहीं ऑकर करेगा, यानी ये प्रोसेस नहीं ऑकर करेगा। तो उस केस में क्या होगा, मेटल आयन से मेटल मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखोगे कि मेटल कब कब निकल सकता है, तो या तो आपका केस होना चाहिए मेटल निकलने का, या तो आपको मोल्टन सेट लो, या फिर अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो एक्वस सॉल्यूशन में मेटल तभी निकलेगा जब मेटल का रिएक्टिविटी क्या होगा, हाइड्रोजन से क्या होगा, कम होगा, तभी मेरे को मेटल मिलता है, ठीक है। तो दो ऐसा केस है जहाँ से आपको मेटल मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है और मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, आपको मेटल आयन से मेटल नहीं निकलेगा, ये प्रोसेस नहीं पॉसिबल है। उस केस में होगा क्या, उस केस में आपका H प्लस से H2 गैस निकलेगा, उसमें H प्लस से H2 गैस निकलेगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, इसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो जे मेन का क्वेश्चन दिया हुआ था, अमोंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट upon electrolysis, which one do not produce metal at cathode? Option दिया होता आपके पास, copper sulfate, AuCl3, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तीन सारे सॉल्ट में से किस में मेटल प्रोड्यूस नहीं होगा, ध्यान ना, ऑप्शन होगा सी, क्योंकि कैल्शियम का रिएक्टिविटी क्या होता है, कैल्शियम का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। इस केस में अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो कैल्शियम प्लस टू से कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा कब, अगर सॉल्यूशन एक्वस होगा तो। हाँ, मोल्टन होगा तो आप निकाल सकते हो, मोल्टन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होता है एक्वस में। मोल्टन फेज रहेगा तो सिंगल आयन है, तो मोल्टन फेज में जिसका जो ही मेटल होगा, चाहे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, मोल्टन फेज में आपका मेटल आयन से मेटल मिल जाएगा, ठीक है। मोल्टन फेज में आपका मेटल आयन से आपको मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन जे मेन का है, वो क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा पहले आपसे,
ध्यान दोगे बच्चों लोग। यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे कटायन का लिस्ट दिया हुआ है, यानी कैथोड पे कौन डिपोजिट करेगा, तो डिपोजिशन ऑर्डर एट कैथोड, यानी कैथोड पे जल्दी कौन डिपोजिट करेगा, तो जो जितना लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसका आयन जल्दी से मेटल के फॉर्म में डिपोजिट करेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी चार्ट में जो जितना लेस रिएक्टिव होगा उतना ही जल्दी क्या हुआ डिपोजिट करेगा, तो रिएक्टिविटी चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, कौन जल्दी डिपोजिट करेगा, तो सबसे जल्दी कौन डिपोजिट करेगा, ठीक है, सिल्वर दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में कौन डिपोजिट करेगा, लिथियम। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये चीज दिया हुआ है, यानी आपके ई नोट वैल्यू, यानी जो ऑर्डर दिया हुआ है ये ई नोट ऑफ आरपी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जिसका आरपी सबसे ज्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस करेगा, वो जल्दी रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ये हो गया कैथोड पे ऑर्डर, समझ में आ गया आपको, डिपोजिशन ऑर्डर एट कैथोड समझ में आ गया आपको। अब ध्यान देना, इसमें ये बोला हुआ था कि किसमें मेटल नहीं निकलेगा, तो मेटल नहीं निकलेगा किसमें जी, तो कैल्शियम क्लोराइड में मेटल नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो पॉजिटिव होगा वो, अब पॉजिटिव एनोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एनोड पे प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा जी, तो एनोड पे अट्रैक्ट कौन होगा, तो जो नेगेटिव आयन होगा उस पर अट्रैक्ट होगा। तो मान लेते हैं कि नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो नेगेटिव आयन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो प्रोपोर्शनल टू उसका ओपी वैल्यू होगा, यानी इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का प्रोपोर्शन होगा, जिसका ओपी वैल्यू हाई होगा उसका ऑक्सीडेशन करना क्या होगा, आसान होगा, और जिसका आरपी वैल्यू कम होगा, यानी आरपी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका आरपी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, आसान होगा, और जिसका आरपी ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक, अब ध्यान देना, तो सबसे पहले ध्यान दोगे यहाँ पे कुछ आयन का हम बात कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन अगर Cl2 से Cl- जाता है, यानी क्लोरीन खुद को रिड्यूस करता है, तो उसका आरपी दिया हुआ है। ठीक है, तो Cl2 से Cl- बनने का आरपी होता है 1.34। ठीक है, O2 से OH- बनने का आरपी वैल्यू होता है 1.23। Br2 से Br- बनने का आपका आरपी होता है 1.20। एंड I2 से I- बनने का जो आरपी होता है वो होता है 1.10। ठीक है, ये फॉलोइंग आरपी है, आपका आरपी है। ठीक, अब ध्यान दोगे, ये हो गया आपका आरपी। ठीक, अगर लेकिन हमको देखो, ये तो हो गया रिड्यूस होने का बात ना, बट इस आयन को अगर उल्टा करना है, यानी हमको ऑक्सीडाइज करना है, हमको इसको उल्टा करना है, यानी ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइज करने के तो Cl- अगर Cl2 भेजना चाहते हो, यानी ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, तो कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, तो आरपी का जैसे उल्टा देना पड़ेगा, तो अगर आरपी 1.34 है, तो Cl- से Cl2 बनने का ओपी क्या होगा, यानी ऑक्सीडेशन का वैल्यू क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन का वैल्यू हो जाएगा -1.34 हो जाएगा। सिमिलरली OH- से O2 बनने का क्या हो जाएगा, यानी आप रेशियो को उल्टा करके सोचो, आप रेशियो को उल्टा करके सोचो ना, इसको उल्टा कर दे रहे आपके लिए हम, यानी उल्टा अगर हो जाए तो उल्टा के लिए आपको OP चाहिए, तो उल्टा का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आरपी का जस्ट माइनस कर दे OP मिल जाएगा, तो Cl- से Cl2 बनने के लिए -1.34 देना पड़ेगा पोटेंशियल, यानी निगेटिव पोटेंशियल है, OH- से O2 बनने के लिए 1.23 होगा, Br- से Br2 बनने के लिए 1.20 होगा, एन आई माइनस आई टू बनने के लिए -1.10
वन होगा, ठीक है। तो सारा वैल्यू क्या है, सारा वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, सारा वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, यानी प्रोसेस क्या हो, खुद से ऑकर नहीं करेगा। अब इस प्रोसेस को ऑकर करने के लिए हमको बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो बाहर से पोटेंशियल हमको कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो सील माइनस सील टू बनने के लिए हमको बाहर से कम 1.34 देना पड़ेगा एटलीस्ट, OH माइनस O2 बनने के लिए कम से कम हमको 1.23 देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमको देखना है तो आपका Br माइनस Br2 बनने के लिए कम से कम हमको 1.20 देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आपके I माइनस I2 बनने के लिए एटलीस्ट मेरे को 1.10 वोल्ट देना पड़ेगा, तो मिनिमम जो पोटेंशियल है आपको देना पड़ने वाला है, ठीक। तो ध्यान देना, जिसका आरपी सबसे कम होगा, तो आरपी सबसे कम किसका था, एडविन का, तो उसका ओपी का मैग्नीट्यूड भी कम है, तो जो बाहर का अप्लाइड पोटेंशियल वो भी कम है, तो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा, तो आपका आई माइनस आई टू सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसका आरपी कम है, उसका ओपी का मैग्नीट्यूड भी कम है, तो बाहर से जो अप्लाइड पोटेंशियल वो भी आपको कम देना पड़ रहा है। तो सिंपल सा बात है, जिस अनायन का फॉर्मेशन का आरपी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन करना क्या होगा, आसान होगा, तो यही समझाया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का जो ऑर्डर होना चाहिए आपके कैथोड पे, वो सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले होगा आई माइनस ऑक्सीडाइज होकर आई टू में जाएगा, बी आर माइनस जाएगा बी आर टू में, एन ओ एच माइनस जाएगा ओ टू में, एन सी एल माइनस जाएगा सी एल टू में, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का ऑर्डर होना चाहिए। नहीं होता क्या है, ध्यान देना, जो ओ एच माइनस से जो ओ टू होता है ना, ओ एच माइनस से जो ओ टू होता है, ठीक है, इस प्रोसेस का जो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होता है, तो ओ एच माइनस से ओ टू का ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई, ठीक है। यानी ओ एच माइनस से ओ टू फॉर्मेशन का एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा, तो उसके कारण क्या होगा, टू ओवरकम दैट वी हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा वोल्टेज, ठीक है। तो हमको ओवरकम करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ेगा, इसका मतलब हमको जो 1.23 वोल्ट का हम बात कर रहे थे बाहर से, उसके अलावा हमको कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम लोग ओवर पोटेंशियल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू, यानी ओ टू फॉर्मेशन में जो पोटेंशियल आपको दिख रहा है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ताकि इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करें, ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो जो कंबाइंड वैल्यू है, ये कंबाइंड वैल्यू 1.34 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल था उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप डाटा देखोगे तो डाटा के अकॉर्डिंग OH- माइनस का ऑक्सीडेशन आसान है सील माइनस से, बट होता क्या है कि ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 फॉर्मेशन आपका नेट पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड होता है O2 फॉर्मेशन के लिए वो सील टू से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो आपका कैथोड में है वो ऑक्सीडेशन ऑर्डर होता है, यानी आई से आई टू बनेगा, बी आर माइनस से बी आर टू निकलेगा, फिर ओ टू यानी सी एल माइनस से सी एल टू जो फॉर्मेशन है वो पहले आ जाएगा एज कम्पेयर टू ओ एच से ओ टू, यानी ओ एच से जो ओ टू फॉर्मेशन है वो लास्ट में आएगा, इन चारों में लास्ट में आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओ एच सी एल से पीछे क्यों जा रहा है, तो अब क्या रीजन हो गया, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज ऑफ ओ टू फॉर्मेशन, ऑफ ओ टू फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ तक को दिक्कत बच्चे लोग, आप लोग को ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना आपका जो OH है, OH आता कहाँ से जनरली, तो आपका जो OH है, OH माइनस का सोर्स क्या होता है, तो आपका जो सॉल्वेंट है जनरली क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और वाटर से आता है OH माइनस, वाटर से आता है OH माइनस, ठीक है। तो वाटर से OH माइनस आएगा, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या होता है कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगा तो जो OH माइनस से O2 का जो आपका E पोटेंशियल रिक्वायर्ड है वो भी क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो भी हमको कांस्टेंट ही देना पड़ेगा। तो चूंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट से आ रहा है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन में ज़्यादा कोई चेंज होगा नहीं, तो आपका जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो भी क्या होगा,
कांस्टेंट रहेगा, वो भी क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब ध्यान देंगे बाकी आयन का हम बात करें, जैसे मान लो सीर माइनस आयन का बात करें, तो सीर माइनस आयन चूंकि सॉल्वेंट का पार्ट नहीं है, वो आता है किससे, सॉल्यूट से, तो सॉल्यूट के अमाउंट को हम चेंज करेंगे तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ बोला हुआ है इम्पैक्ट ऑफ, जब एनोड पे हम बात कर रहे हैं तो एनोड बात किस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का, ठीक है, एनोड पे बात किया जाए किसका, ऑक्सीडेशन का। ठीक, एनोड बात किया जा रहा ऑक्सीडेशन का, तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं सॉलिड का, यानी अनायन का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा ऑन ई अप्लाइड। ठीक है, तो आपकी अप्लाइड पोटेंशियल में इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, आपका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक, ध्यान देना आप लोग को नॉर्थ, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लें कि हमको सी एल टू से सी एल माइनस भेजना है, ठीक है, तो सी एल टू से सी एल माइनस का अगर मान लेते हैं कि सी एल टू का प्रेशर 1 bar है, क्या है 1 bar है, ठीक है, तो उसका क्यू क्या हो जाएगा, तो सर रिएक्शन का क्यू हो जाएगा सी एल माइनस का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन का, नीचे प्रेशर तो 1 हो गया, यानी सी एल माइनस का स्क्वायर हो चुका है। अब ध्यान देना अगर इसके लिए हम नॉर्स इक्वेशन लिखते हैं, तो सी एल टू से सी एल माइनस फॉर्मेशन, यानी हम सी एल टू को सी एल माइनस में भेजें, अगर हम सी एल टू को सी एल माइनस में भेजें, उस केस में क्यू हो जाएगा सी एल माइनस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, एज्यूमिंग सी एल टू का प्रेशर अगर 1 bar दिया हो तो। ठीक है, अब इसके लिए हम नॉर्स इक्वेशन फ्रेम करें, ध्यान देना नॉर्स इक्वेशन होता क्या है, इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 2 पुट कर दे और लॉग सील माइनस का क्या करोगे, स्क्वायर कर लेना, तो बाहर का ये स्क्वायर को बाहर लाओगे तो ये 2 से कैंसिल कर लेगा, तो अल्टीमेटली आपका ये जो 2 यहाँ पे आएगा तो कैंसिल करके, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस 0.059 लॉग सील माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये रहेगा आपका नॉर्स इक्वेशन। अब ध्यान देना पे, अब सीएल अगर ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि सीएल का कॉन्सेंट्रेशन तुम चेंज करो, अगर सीएल के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो आपका जो पोटेंशियल वो भी क्या होगा, वो भी चेंज करेगा, वो भी यानी जो ई सेल है वो भी चेंज करने वाला है। तो ध्यान देना अगर मान लेते हैं कि सीएल का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 कर दें तो लॉग 1 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो क्या उस केस में होगा, ई नोट सेल हो जाएगा ई सेल के बराबर। ठीक है, इसमें 3 केस है, 3 केस को मैं बताता हूँ आपको, तो अल्टीमेटली क्या था वो, चलो तो आपका इक्वेशन था उसको मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, इक्वेशन क्या हम फ्रेम किए हैं कि ई सेल इक्वल टू क्या है, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन तो हो चुका है, तो यहाँ पे क्या था, लॉग सी एल आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और किस रिएक्शन का, ई सेल है, तो ई सेल है सी एल टू से सी एल माइनस फॉर्मेशन का, यानी इस रिएक्शन के फॉर्मेशन का ई सेल है। ठीक है, तो सील टू से सील माइनस टू सील फॉर्मेशन का आपका ए ई सील का वैल्यू है। ठीक है, बताओ ना, तो अगर मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, अगर ध्यान दोगे फिर से मेरे बात,
और कॉन्सेंट्रेशन सेल का 1 होता, उस केस में जो ई सेल का वैल्यू है, हम बात करें ई सेल का, तो ई सेल में प्रोसेस क्या हो रहा है, आरपी, तो आरपी का वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो ई सेल का आरपी का वैल्यू इस केस में होगा, इस केस में होगा इनोड सेल, इनोड सेल, और इनोड सेल का वैल्यू कितना 1.34, इनोड सेल का वैल्यू कितना है तो 1.34 है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर अगर 1 लेंगे तो आरपी का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा 1.34 हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1.34 हो जाएगा आरपी का। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 1 से बड़ा कर दोगे, 1 से बड़ा कर दोगे तो लॉग के अंदर का जो टर्म है ना, ये जो लॉग के अंदर का टर्म जो बात कर रहे हैं, तो अगर 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और बाहर माइनस साइन लगा हो तो इस केस में इसका मतलब क्या है, जो आरपी का वैल्यू होगा वो इनोड सेल से छोटा हो जाएगा, यानी ई सेल का जो आरपी का वैल्यू है वो इनोड सेल से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस केस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ई सेल है वो इनोड सेल से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा मतलब कितना है, तो मान लेते हैं ई नोड सेल अगर 1.34 है, तो जूम करते हैं केसल का वैल्यू हो चुका है 1.2 हो चुका है, ठीक। अगर तुम सॉल्यूशन को डायल्यूट कर दोगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन को 1 से छोटा कर दोगे, तो इस केस में जो ई सेल है, यानी अगर 1 से छोटा सेल का कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे सिस्टम में, तो लॉग नेगेटिव होगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो ई सेल है उसका वैल्यू ई नोड सेल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ई सेल का वैल्यू ई नोड सेल से बड़ा हो जाता है, ई नोड सेल से बड़ा हो जाता है, तब ई सेल का वैल्यू क्या होगा, ई नोड सेल से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग इसका वैल्यू को मान लेते हैं 1.4 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका आरपी है, यानी हम देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो जो आरपी का वैल्यू है वो चेंज कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे उतना ही आरपी क्या होगा, घटेगा, और जितना कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे यानी जितना सोल्यूशन डाइल्यूट करेंगे उतना आरपी क्या हो रहा, बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीएल टू से सीएल माइनस का जो रिक्वायरमेंट है आरपी का, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपका जो आरपी यानी आरपी पोटेंशियल घटते जा रहा है, और जितना कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करेंगे उतना ही आरपी का रिक्वायरमेंट क्या बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपको आरपी तो दे दिए, लेकिन आपको आरपी आपको रिड्यूस नहीं करना, आपको क्या करना है, आयन को ऑक्सीडाइज करना है। तो आपको चाहिए किसका, आपको चाहिए सील में से सील टू भेजने का, यानी उल्टे प्रोसेस का, आपको ओपी यानी आपको ओपी चाहिए, यानी आपको क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना है। तो ओपी वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा जो आरपी उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन वन से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या है ओपी का, तो अगर यहाँ पे आप आरपी का वैल्यू 1.2 माने होते, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -1.2, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -1.34, और यहाँ वैल्यू हो जाएगा -1.4। ये हो जाएगा ओपी का रिक्वायरमेंट, यानी इतना, यानी इसका ओपी वैल्यू भी क्या हो, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो आपको बाहर से पोटेंशियल देना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, जितना नेगेटिव में दिख रहा है आपको। तो अगर मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन 1 से बड़ा होगा, तो उसके इसमें बाहर से अप्लाइड पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा, 1.2, ठीक है। अगर ओपी का वैल्यू -1.2 है तो बाहर से आपको कितना देना पड़ेगा, 1.2 देना पड़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो बाहर से कितना देना पड़ेगा, 1.34 देना पड़ेगा, यानी इनोड के बराबर देना पड़ेगा। अगर बाहर का जो वैल्यू है, यानी कॉन्सेंट्रेशन 1 से अगर क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा, तो उसके समय आपको बाहर से पोटेंशियल देना पड़ेगा 1.4। तो वो दिख रहा है कि आपका ऑक्सीडेशन आसान कब है, जब ऑक्सीडेशन आसान कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 से बड़ा होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो बाहर से ऑक्सीडेशन करना आसान, यानी ऑक्सीडेशन करना आसान कब है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक। तो सो इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज, इसका मतलब क्या होगा, किस अगर क्लोरीन ही दिया हुआ है, तो क्लोरीन ही दिया हुआ है तो किस टाइप के सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करना आसान होगा, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, तो जिसमें क्लोरीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है उसका ऑक्सीडेशन करना क्या होगा, आसान होगा। ये लिखा हुआ है, सो इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सीएल, सो इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सीएल, यानी क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करना क्या होगा, आसान होता है, क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग के डिस्कशन का मोटो था कि अगर क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हाई होगा तो उसका ऑक्सीडेशन आसान हो जाएगा, तो ध्यान देना
अब आपके सामने दो केस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए OH है, तो OH से O2, इसका जो 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 पोटेंशियल है तो फिक्स है, ठीक है। अब जो Cl2 से Cl- से Cl2 जो फॉर्मेशन होता है, इसमें तीन केस था। तीन केस क्या है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और ज़्यादा होगा, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर वन होगा तो क्या होता है, तो वैल्यू जो होता है वैल्यू 1.34 होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अगर वन से छोटा होगा तो कुछ वैल्यू होगा, और कॉन्सेंट्रेशन वन से बड़ा होगा तो कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि इन सबको बोलते हैं हम लोग क्या, इन सबको बोलते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन डायल्यूट है, वन से छोटा जनरली क्या होता है, डायल्यूट होता है, ठीक है। तो देखा गया है कि इन दोनों केसेस में, यानी जब सॉल्यूशन डायल्यूट होगा तो उसमें सेल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगा, यानी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग केस में आएगा, और आपको पता है कि OH- से O2 का जो ऑक्सीडेशन है उसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, चलो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। अब ध्यान देना कि इसके बेसिस पे यहाँ पे दो केस ले रहे हैं कि जब भी सील माइनस का कॉन्सेंट, जब भी सील माइनस का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उस केस में सील से सील टू का ऑक्सीडेशन करना क्या होता है, आसान होता है। तो उस केस में OH- से O2 के बजाय, यानी इस रिएक्शन नहीं होगा और सील से सील टू होगा, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन अगर डायल्यूट होगा, सॉल्यूशन अगर डायल्यूट होगा तो उस केस में क्या होगा, सील माइनस से सील टू, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है, सील माइनस से सील टू का ऑक्सीडेशन हो जाएगा डिफिकल्ट। तो ध्यान देना, जब भी सॉल्यूशन डायल्यूट होगा तो सील में सील टू का ऑक्सीडेशन होता है डिफिकल्ट, तो उसमें एक काम मत करना। तो उसमें होता क्या, उसमें होगा OH- से O2, यानी आपका OH से O2 का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। OH से O2 का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। इसका मतलब सील से सील टू का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और OH से O2 का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें केस बाय केस होगा, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसमें सील टू को निकालेंगे OH के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर सॉल्यूशन डायल्यूट होगा तो उसमें सील से सील टू नहीं निकलेगा, उसमें OH से O2 निकलता है, ठीक है, ध्यान देना। और बाय डिफॉल्ट, और कुछ नहीं बोला जाए क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला जाए, तो बाय डिफॉल्ट क्या करना है, आपको एज्यूम करना है कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। बाय डिफॉल्ट आपको सोचना है कि सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड दिया हुआ है, यानी आपको सील से सील टू निकालना है। कुछ नहीं बोला जाएगा तो, कुछ नहीं बोला जाएगा तो, ठीक है। यहाँ तक को डाउट है बच्चे लोग, यहाँ तक को डाउट आप लोग को तो पूछ सकते बच्चे लोग। सर और एक बार बोल दीजिए। ठीक है, तो अभी तक का डिस्कशन हम लोग क्या सीखे बच्चे लोग, कि सीएल और ओएच में OH का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो भी होगा कांस्टेंट होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो बोला क्या गया कि अगर क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है अगर ज़्यादा हाई रहेगा, उस केस में सीएल का ऑक्सीडेशन करना आसान होता है, तो उसमें सीएल सीएल टू बनेगा, उस केस में OH से O2 नहीं बनेगा, ठीक है। बट अगर सीएल का कॉन्सेंट्रेशन अगर डायल्यूट होगा तो उस केस में क्या होता है, सीएल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट तो ये प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा, तो उस केस में OH से O2 बनेगा, OH से O2 बनेगा, ठीक। और बाय डिफॉल्ट होता क्या है, बाय डिफॉल्ट होता है आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम क्या करोगे कि सिस्टम क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, ये ध्यान देना। ये रहेगा क्लोरीन वाला केस, कि क्लोरीन और OH में किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, उसमें आपको बता दिए कि सिस्टम में अगर क्लोरीन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सील का ऑक्सीडेशन करना, सील माइनस सील टू फॉर्म करेगा, अगर डायल्यूट होगा तो OH से O2 करना। और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप एज्यूम करोगे कि सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप सील माइनस सील टू का ऑक्सीडेशन कर देना, ठीक है।
सल्फेट, ठीक है। अगर मान लेते कि आपका सिस्टम में सल्फेट होगा तो सल्फेट का भी दो केस होगा, डायल्यूट होगा और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ध्यान ना, सल्फेट का अगर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन होने पे होता क्या है, ये खुद को भेजता है H2O8-2 में, ठीक है। तो सल्फेट अपना ऑक्सीडेशन करके खुद को भेजता है H2O8-2 में, तो अगर सॉल्यूशन डायल्यूट होगा तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस केस में सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होके क्या होता है, आपका OH से O2 प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, OH से O2 प्रोड्यूस होगा, ठीक। लेकिन अगर सल्फेट अगर कॉन्सेंट्रेट का सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उस केस में सल्फेट का ऑक्सीडेशन होकर जाएगा H2O2 में जाएगा, और उस केस में OH से O2 नहीं बनेगा, ये हो जाएगा डिफिकल्ट, ठीक। तो सल्फेट में दो केस समझ में आ गया कि सॉल्यूशन डायल्यूट होगा तो उसमें OH से O2 बनेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या बनेगा, SO4-2 से बनेगा H2O8-2 बनेगा, ये ध्यान देना। अगर इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो इसमें थोड़ा इसमें ध्यान देना, अगर इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो आपको क्या सोचना बता रहे हैं, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए कि सॉल्यूशन कैसा है, डायल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप ज़ूम करोगे सॉल्यूशन डायल्यूट है, आप ज़ूम करना है कि सॉल्यूशन क्या है, डायल्यूट है। सील वाले में उल्टा बोलते हैं, सील वाले में क्या बोलते हैं, आपको ज़ूम करना है कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, इस केस में आपको ज़ूम करना है कि सॉल्यूशन क्या है, डायल्यूट है। इस केस में आपको ज़ूम करना है सॉल्यूशन क्या है, डायल्यूट है, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, अगर आपके पास नाइट्रेट आयन रहेगा और आपका नाइट्रेट आयन होगा तो क्या करेंगे, तो नाइट्रेट आयन में भी ध्यान देना कि सॉल्यूशन का डायल्यूट होगा, ठीक है। तो उसमें नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन तो ऑकर नहीं करेगा, उसमें ऑक्सीडेशन ऑकर करता है किसका, OH- का ऑक्सीडेशन होगा O2 में, तो ये ऑकर करता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट वाला केस ऐसा कुछ है नहीं, तो सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा भी तो उसमें आप क्या ज़ूम करोगे, तो जनरली कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को देगा नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं बोला जाएगा तो आप ज़ूम करना कि सॉल्यूशन क्या है, डायल्यूट है। और कुछ नहीं दिया जाएगा और कुछ नहीं इवन दिया रहेगा तो आपको ज़ूम करना कि आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन डायल्यूटेड है, सॉल्यूशन क्या है, डायल्यूटेड है, ठीक है। अब बताओ ना, तो ऑक्सीडेशन का ऑर्डर क्या होता है जी, एनोड पे जो ऑक्सीडेशन का ऑर्डर होता है बता दिया गया है। तो पहले क्या हुआ, I-I2 बनेगा, फिर Bi-Bi2 बनेगा, फिर Cl-Cl2 बनेगा, फिर OH-O2, ठीक, फिर नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, फिर सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान देना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो चलो तो पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, ध्यान ना, जनरली जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोड होता है पीटी होता है, प्लेटिनम को हम इलेक्ट्रोड चूज करते हैं, पीटी का इलेक्ट्रोड चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं, क्योंकि जो प्लेटिनम होता है वो होता है इनर्ट मेटल, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होगा, रेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मेरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होता है, प्लेटिनम को हम अपना इलेक्ट्रोड चूज करते हैं, यानी पीटी को प्लेटिनम को हम अपना इलेक्ट्रोड चूज करेंगे, ठीक है। यानी होता क्या है, ये होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये होता है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक। अब बताओ ना, इसमें से कुछ स्पेशल केस आपको याद रखना है, कुछ केस को आपको ध्यान देना है कि अगर आपका मेटल कम्प्लीट, अगर मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होता है, ठीक है, तो सम स्पेशल केस में क्या होगा, मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक। तो अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा तो मेटल का जो, अगर यहाँ देखना है कि यहाँ जो स्पेशल केस हो ध्यान सुनना, कि अगर मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगा उस केस में क्या होता है, जो मेटल का जो सॉल्ट का मेटल होता है, मेटल ऑफ सॉल्ट, उसको तुम अगर इलेक्ट्रोड चूज करो तो क्या होगा। सिंपल सा हम केस बता रहे हैं कि अगर आपका मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो उसमें मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं Ag, तो सिल्वर का सॉल्ट क्या होता है, Ag में सिल्वर का सॉल्ट है, तो
तो अगर हम क्या करते हैं उस केस में, अगर हम करते हैं कि एजी को ही एनोड ले और एजी का ही कैथोड ले, तो क्या होगा? यानी सिल्वर नाइट्रेट में जो एजी है उसका रिएक्टिविटी क्या होता है? हार्डनेस से कम होता है। तो ये जो मेटल है जो हार्डनेस से कम रिएक्टिव, उसी का हम अगर एनोड ले और कैथोड ले तो क्या होगा? तो बोला क्या गया कि अगर ऐसा करोगे तो एनोड पे एजी ऑक्सीडाइज करेगा और कैथोड पे एजी रिड्यूस होगा, यानी इसमें नाइट्रेट का, नाइट्रेट या ओएच का कुछ नहीं होगा। तो जो अगर मेटल हार्डनेस से कम रिएक्टिव है और उसी मेटल को हम एनोड कैथोड दोनों बना दे और उसी का सॉल्ट ले ले, तो उसमें होता क्या है, सेम मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और सेम मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, यानी बाकी और कोई भी आयन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी अगर नाइट्रेट है OH- है तो इनका जो ऑक्सीडेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। कब? जब जो मेटल प्रेजेंट है उसी को हम अपना एनोड और कैथोड बना ले, तो जो मेटल है उसी को अपना हम एनोड और कैथोड बना ले तो ऐसा होता है। ठीक, जो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में दो केस मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट में अगर हम पीटी का एनोड लेते हैं और कैथोड भी पीटी का लेते हैं, तो उस केस में क्या है, एनोड पे क्या होगा, ओएच माइनस होगा, सल्फेट होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, सॉल्यूशन डायल्यूट होता है तो क्या होगा, ओ से ओ टू बनेगा। ठीक, और कैथोड में क्या होगा, एच प्लस होगा और कॉपर प्लस टू होगा, तो दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एच ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर रिड्यूस होगा, तो कॉपर रिड्यूस होकर क्या बनेगा, सीयू बनेगा। ठीक सर, कॉपर ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होगा? कॉपर से क्यों होगा, कॉपर पे प्लस टू चार्ज है, तो कॉपर प्लस टू ऑक्सीडाइज फर्दर होता है क्या, मतलब आप कॉपर प्लस टू और ऑक्सीडाइज होगा क्या, प्लस कैथोड का साइन नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव कैसे आएगा? ठीक, आपका जितना ही पॉजिटिव आयन होता है कहाँ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स कैथोड अट्रैक्ट होगा ना, चाहे एच प्लस हो चाहे कॉर प्लस टू हो, तो दोनों अट्रैक्ट होगा कैथोड के पास, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैथोड का होता है और कैथोड पे प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो हाँ रिड्यूज होगा चीज। एनोड का साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के पास ये अट्रैक्ट होगा नहीं, रिपेल हो जाएगा, तो हाँ जाएगा ही नहीं पहली बार। यानी एनोड के पास जाता कौन है, एनोड पर जाता है आपका OH- जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट अगर पीटी यूज करेंगे तो पॉइंट आता है कि कॉपर सल्फेट में अगर हम यूज करें और कॉपर सल्फेट में हम कॉपर अगर यूज करें तो क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में एको सॉल्यूशन में आयन क्या क्या होगा, तो कॉपर प्लस टू होगा, एनएच प्लस होगा। ठीक है, और अनायन क्या होगा, सल्फेट होगा एन ओ एच माइनस होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कॉपर का एनोड हो गया और कॉपर कहीं कैथोड में है, सेम मेटल को एनोड कैथोड में यूज करें तो क्या होगा, तो उस केस में एनोड पे होता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है उस केस में। यानी अगर जो मेटल सॉल्ट में हो है उसी को तुम इलेक्ट्रोड बना दोगे तो उस केस में कॉपर होगा ऑक्सीडाइज, और उस केस में यहाँ जो कॉपर हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो जाकर रिड्यूस होना है। यानी इस केस में यही पूछ रही थी। हाँ, तो उस अगर कॉपर ऑक्सीडाइज रिड्यूस कंडीशन का बोला गया है कि जब जो सॉल्ट में मेटल होगा उसी मेटल का एनोड कैथोड रहेगा तब होगा। लास्ट वाले केस में आपका जो एनोड कैथोड था वो पीटी था, प्लेटिनम था, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होने के लिए कॉपर का कैथोड होना जरूरी है, कॉपर के ऑक्सीडाइज होने के लिए कॉपर का एनोड होना जरूरी है, ताकि उस इलेक्ट्रोड से कॉपर बाहर निकले और सी यू प्लस टू में चला जाए। ठीक है, तो इस केस में आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, और अगर प्लेटिनम लोगे तो वहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अनायन का ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पे आपका अनायंस का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो रहेगा ऑल अबाउट केसेस। अब ध्यान देना, कुछ को आपको जानना है, तो आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोटोकॉल को जानना है। अगर मान लेते हैं कि वाटर आपके पास है, तो वाटर में कौन कौन सा आयन होता है जी, H+ OH होता है, माइनस होता है,
एनोड पे OH पर ऑक्सीडेशन होगा O2 निकलेगा और कैथोड पे एक्सप्रेस हाइड्रेशन होगा S2 निकलेगा। ये हो गया वाटर का, ठीक है, यानी वाटर में से OH और H का बाहर जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं अगर बात करते हैं NaCl एक्वस, NaCl एक्वस का मतलब क्या होता है, जनरली क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या आपको माना है कि सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या निकलता है, तो सील माइनस से निकलेगा Cl2 निकलेगा और OH बचा रहेगा सिस्टम में, और H प्लस निकलेगा H2 निकलेगा और Na+ बचा रहेगा, यानी सिस्टम में Na बच गया और OH बच गया, तो NaOH क्या बनेगा, बेस बनेगा। इसका मतलब जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे आपके सिस्टम का जो pH है वो इंक्रीज करेगा, तो ग्रेजुअली सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। ये ध्यान देना, बिगिनिंग में सॉल्यूशन क्या था, का pH क्या था, 7 था, क्योंकि NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, लेकिन जैसे तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो सिस्टम से H+ बाहर जा रहा है और Cl- बाहर जा रहा है, सिस्टम बच कर रहा है, OH- बच रहा है और Na+ बचा, यानी सिस्टम में NaOH प्रोड्यूस हो रहा है, यानी सिस्टम बेसिक होते जा रहा है, यानी pH क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर जो सेकंड केस में जो NaCl लिया है आपने लिया है तो वो क्या है, एक सेकंड बच्चा, कंसंट्रेटेड है क्या, बाय डिफॉल्ट क्या होता है NaCl वाले केस में, आक्विस होता है, नहीं बाय डिफॉल्ट क्या बोले हैं, ऊपर में आप चेक, मैं पूछ रहा है कि डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेटेड है जो NaCl सेकंड केस में, वही तो मैं आपसे बता रहा हूं बच्चा कि और कुछ नहीं दिया रहा क्वेश्चन में, तो सिलो क्या माने बोले आपको हम कंसंट्रेटेड, बाय डिफॉल्ट कंसंट्रेटेड होता है, वही हम कहा समझाया था ना कि क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा, तो आपको सील वाले केस में क्या ज़ूम करना है कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और बाकी जो सल्फेट नाइट्रेट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डाइल्यूट होता है। कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपको ये सोच लेना है, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो सोच लेना है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा भाई चलो अगले केस में अगर बोला है कि NaCl डाइल्यूट है तो उस केस में क्या होगा, डाइल्यूट अगर डाइल्यूट दिया हो क्वेश्चन में तो उसमें OH O2 बनेगा और H+H2 बनेगा, यानी क्या होगा सिस्टम में Na+ और Cl- बचा रह जाएगा, NaCl एक Na+ बचाएगा Cl- बचा रहेगा, तो सिस्टम का pH में कोई चेंज नहीं होगा, यानी सिस्टम का pH शुरू में न्यूट्रल था तो अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, अभी pH क्या साथ ही रहेगा, क्योंकि इसमें एच और OH बाहर जा रहा है तो आपके सिस्टम का pH को चेंज को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। सिमिलर बात करते हैं हम कॉपर का, तो कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट का हम बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट में आपके कैथोड पे क्या डिपोजिट करेगा, तो कैथोड पे कॉपर डिपोजिट करेगा, सिस्टम H+ बचा हो रहेगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH का ऑक्सीडेशन होगा, यानी आपका कॉपर और OH सिस्टम से बाहर जा रहा है, बच कह रहा बच रहा है H+ एंड सल्फेट, तो कहीं कि जो H+ बचेगा वो सिस्टम को एसिडिक बनाएगा, सिस्टम को एसिडिक बनाएगा, यानी pH क्या होगा, pH आपका डिक्रीज करेगा, pH आपका डिक्रीज करेगा सिस्टम का, ठीक। अगर बात करते हैं कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा रहेगा, कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कॉन्सेंट मतलब क्या होता है, सिस्टम कॉन्सेंट्रेट का मतलब ये होता है कि सल्फेट जाएगा H2O-2 में और आपका जो कॉपर +2 है वो जाएगा कॉपर में, ठीक है, जाएगा कॉपर में, ठीक ठीक है। तो सिस्टम बचेगा, सिस्टम में H+ बचेगा और OH बचेगा, यानी सिस्टम के pH को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम का जो pH है वही का वही रह जाएगा, ठीक। अगर Ag3 का तुम करोगे तो Ag3 क्या होता है, डायलूट मान के सोचना है, तो आपका OSO2 बनेगा और Ag+ Ag बनेगा, तो सिस्टम में कहने की H+ बचेगा, यानी सिस्टम का pH क्या होगा, घटेगा, यानी सिस्टम एसिडिक होते चला जाएगा, सिस्टम एसिडिक होते चला जाएगा, ठीक। इसलिए हम बात कर रहे हैं और अगर Ag3 कॉन्सेंट्रेटेड होगा उस केस में आपका नाइट्रेट जाएगा ऑक्सीडेशन में और आपका Ag जाएगा ऑक्सीडेशन, तो बचेगा H+ बचा रहेगा सिस्टम और OH बचा रहेगा, तो सिस्टम न्यूट्रल रहेगा,
अगर आपका H2SO4 डाइल्यूट रहेगा सिस्टम में अगर, तो आपका OSO2 बनेगा और आपका H+H2 बनेगा। तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में OH और H तो जा रहा बाहर, लेकिन चूंकि शुरू में इन द बिगनिंग सिस्टम में आप H2SO4 लिए हो, आप इन द बिगनिंग सिस्टम में H2SO4 लिए हो, तो बिगनिंग में सिस्टम एसिडिक है, इन बिगनिंग सिस्टम में H+OH का रेशियो ऐसा रहेगा। तो अगर इसमें से आप H और OH को हटाओगे भी, तो हमें अगर चूंकि शुरू में H और OH में H ज्यादा है, तो बाद में भी क्या होगा, H और OH में H ज्यादा ही रहेगा, तो सॉल्यूशन एसिडिक ही रहेगा। सिंपल सा बात है, H2SO4 एक एसिड है ना, एसिड है मतलब इसका मतलब बिगनिंग में H+ और OH में क्या होगा, H+ ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर H+ ज्यादा होगा इसका मतलब क्या, शुरू में सिस्टम एसिडिक है और सिस्टम से तुम OH बाहर जा रहा है और H+ बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यानी H+OH दोनों इक्वल नंबर में बाहर जाएगा, तो इक्वल नंबर में क्या हो, बाहर जाएगा तो क्या होता, तो भी क्या होगा, H+ का नंबर OH हमेशा बड़ा रहेगा, यानी सिस्टम हमेशा एसिडिक ही रहेगा, सिस्टम हमेशा एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। सल्फेट SO4-2 gives H2O8-2, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे H+ का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम में OH बचेगा, सिस्टम में OH बचेगा, लेकिन सॉल्यूशन एसिडिक ही रहेगा, क्योंकि H2SO4 काफी ज्यादा अमाउंट में है, H+ का अमाउंट काफी ज्यादा होगा OH के रिस्पेक्ट में, तो सिस्टम इसमें एसिडिक ही रहेगा, सिस्टम इसमें एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो बच्चे लोग पूछ सकते हैं, बच्चे लोग चलो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है कोलबेल्ट लाइसिस। इसमें क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का हम अल्टलाइसिस करते हैं, ठीक है। सोडियम सॉल्ट अल्टलाइसिस करें तो क्या होगा, एनोड कैथोड, ठीक है, एनोड कैथोड। तो एनोड पे कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, तो इसका एक चूंकि एको सॉल्यूशन होता है, एको सॉल्यूशन में ध्यान देना आपका और भी आयन क्या होगा, H+ होगा और OH होगा। तो एनोड चूंकि पॉजिटिव साइन होता है, तो इसमें कौन कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, इसमें RCO- अट्रैक्ट होगा एंड OH- अट्रैक्ट होगा, और कैथोड में कौन कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, कैथोड में Na+ अट्रैक्ट होगा, H+ अट्रैक्ट होगा। तो किसका रिडक्शन करना आसान है, इसमें H+H2 जाना आसान होता है, इसमें ये ऑकर करता है, यानी सोडियम प्लस का रिडक्शन का, इसमें H+H2 बनना आसान है, तो इसमें H+H2 बनेगा, सोडियम फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। अब एनोड पे OH का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, तो उसमें होता है इसका ऑक्सीडेशन, RCO- का ऑक्सीडेशन होता है, तो पहले बनता है RCO डॉट इलेक्ट्रॉन लूज करके, फिर यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा R डॉट, अब दो R डॉट कंबाइन करके आपका बन जाएगा RR, क्या बन जाता है, RR, ठीक है। तो ये आपका एनोड पे आपको अल्केन मिलता है, ठीक। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल दिया हुआ आपके पास CH3CO1Na का अल्ट्राइस करें तो क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, इसका जो R है यानी CH3 है, वही दो बार रिपीट हो जाता है, जैसे जो R था ना, तो RCONA में बेसिकली हम क्या किए, तो जो R है, जो R ग्रुप है, उसको दो बार
रिपीट कर दिए, ठीक है, बन गया आरआर, ठीक। अब ध्यान रहा, तो ये हो गया सी एस थ्री, ये हो गया सी एस थ्री, तो सी एस थ्री दो बार रिपीट होकर बन गया सी एस थ्री, सी थ्री बन गया, ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान दोगे, जब एल्कलाइसिस कर रहे हो तो सिस्टम से क्या क्या निकल रहा था, सिस्टम से OH OH बाहर नहीं गया है और NA बाहर नहीं गया, यानी सिस्टम में NaOH बचेगा, यानी सिस्टम में NaOH का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यानी सिस्टम का pH क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सिस्टम क्या होगा, बेसिक होता चला जाएगा। जब भी कोलर प्रोसेस करते हैं तो सिस्टम का pH क्या होता, तो सिस्टम का pH क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, सिस्टम का बेसिसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये ध्यान देना आपको, ठीक। अब ध्यान देना एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि आप NaCl एक्वस, NaCl एक्वस कैल्टोलाइसिस कर रहे हो, कैल्टोलाइसिस कर रहे हो, उस केस में आप मरकरी को ले रहे हो कैथोड, मरकरी है कैथोड के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में क्या होगा, कैडायन कौन कौन होगा, Na प्लस कैडायन होगा और H प्लस कैडायन होगा। तो देखा गया है कि अगर मरकरी को तुम कैथोड लोगे तो Na प्लस H प्लस में Na प्लस जाएगा सोडियम में, यानी उसके इसमें H प्लस H2 ने मत बनाना, उसमें Na प्लस Na बनेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि ये मरकरी का जो, मरकरी जो कैथोड में है वो सोडियम के साथ मिल के अमलगम फॉर्म करता है, जैसे अमलगम फॉर्मेशन के कारण सोडियम से सोडियम प्लस जाता है, यानी अगर मरकरी होगा कैथोड में और आपका सॉल्यूशन एक्वस भी होगा तब भी आपको क्या करना है, सोडियम को भेजना है सोडियम प्लस, सोडियम को प्लस को भेजना है सोडियम में, क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, ठीक, ये ध्यान देना।